हेलो बच्चों, आजकल हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.2 में आपको पहले तो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, साथ ही साथ मैंने 5 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए थे। तो चलिए बाकी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में लेकर चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 0a - b एज ए डिटर्मिनेंट एंड -a 0 - c एंड bc 0 इज इक्वल टू 0 आपको शो करना है, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो चलिए इसको, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, हमारा जरूरी नहीं होता है कि डिटर्मिनेंट में जो मैं मेथड अप्लाई करूँ वही मेथड है। दरअसल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज क्या है, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, 9 कुल मिलाकर 8 9 प्रॉपर्टी मैंने मेंशन कराया था। तो जितनी प्रॉपर्टीज है आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कंडीशन से पता है कम से कम मिनिमम इसमें करेस्पॉन्डिंग किसी एक रो या एक कॉलम में 2 एलिमेंट आपके 0 हो जाए। जैसे ये 0 है तो ये भी 0 अगर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर 2 0 हो जाएंगे तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करेंगे तो जो वैल्यू राइट हैंड साइड में जरूरत होती है, जिसको हमें लाना होता है, वो मिल जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि जो मैं मेथड लिखूं वही आप लिखिए, आप ट्राई कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस 2 3 तरीके से हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं अपना कोशिश करता हूं कि मैं कम से कम ज्यादातर 2 मेथड लेकर नहीं चल पाऊंगा, बिकॉज वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा हो जाएगी। तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा एक मेथड लेकर चलूँ, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे 2 या 3 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एज ए 0a - b एंड -a b एंड c - c। ध्यान से देखें तो अगर इसको मैट्रिक्स के नाम से अगर देखा जाए तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट होते हैं वे ऑलवेज 0 हुआ करते हैं, ठीक है। एंड कंडीशन मैंने प्रॉपर्टीज बताते समय बताया था कि जब अगर आपके पास लगता है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो डिटर्मिनेंट और स्क्यू सिमेट्रिक वाले कंडीशन पे बन रही है, तो ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू -a होता है। और डिटर्मिनेंट केसेस में प्रॉपर्टीज क्या करती है, प्रॉपर्टीज कहा करती थी कि ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट मीन्स किसी भी स्क्वायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं ट्रांसपोज का, वो इक्वल टू उतने के बराबर रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन में, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन में अगर डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक का बन रहा है तो उसके वैल्यू कितनी होती है स्क्यू सिमेट्रिक के ऑड ऑर्डर का। ऑड ऑर्डर मतलब कि उस वो डिटरमिनेंट अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का हो, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का हो, ऐसे केसेस में उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है अगर वह डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक बना रहा है तो। और देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक बना रहा है क्योंकि ये इसके में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 है। साथ ही साथ मैं चेक कर देता हूँ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो आप शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो मैंने एक हिंट दे दिया था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, आप पहले पहचान कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक अगर हमारे माइंड में आ गया तो मैं एक लेकर चल रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यही डिटरमिनेंट में डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, समटाइम डिटरमिनेंट आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिए और ये 0a - b - a 0 and - c and b c and 0, ओके। नाउ ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कितना होगा इसका, है ना। किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करते हैं तो 0 0a and - b, देखिए हमने रो क्या कर दिए कॉलम में लिख रहे हैं, ठीक है। रो को हम क्या लिख दे रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं, यहां पर वो क्या लिख देंगे कॉलम में, ठीक है, bc n 0, ओके। अगर आप चाहें तो इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे, देखिए इस रो से अगर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा, अगर हम पहले रो से माइनस कॉमन लें तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। दूसरे रो से अगर माइनस कॉमन ले तो देखिए दोनों माइनस हो जाएगा, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, और इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो टेकिंग आउट माइनस फ्रॉम R1 R2 R3, आइदर C1 C2 C3 ले लीजिए, बातें कही हो जाएगी, ठीक है। तो टेकिंग आउट, यहां से हम कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग आउट निगेटिव साइन, ठीक है ना, निगेटिव साइन फ्रॉम R1 R2 and R3 रिस्पेक्टिवली, ओके। हमने तीनों में से कॉमन ले लिए, ओके। तो जब तीनों में से कॉमन लेंगे तो डिटरमिनेंट ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस
एक में से माइनस कॉमन लिए, फिर दूसरे में से भी माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर तीसरे में से भी माइनस कॉमन ले, 3 - 12 आ गई, और ये टोटल ही हो जाएगा, वो बच जाएगा 0, माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, एंड बी इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएंगे। सिमिलरली ए सी है, इसको लिख देंगे माइनस ए 0 एंड माइनस सी लिख देंगे, यहाँ माइनस बी माइनस सी, इसको लिख दीजिए बी सी एंड 0, ओके, एंड माइनस 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 भी 3 - है, तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल माइनस, दैट मीन्स माइनस, तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ देखिए 0 ए माइनस बी, 0 ए माइनस बी, एंड माइनस ए 0, माइनस ए 0, माइनस सी, बी सी 0, बी सी एंड 0। अगर ये डिटर्मिनेंट देखा जाए तो इक्वल टू इसी चल रहा है, देख लीजिए इसके एलिमेंट वही है, ये एलिमेंट आप मैच कर लीजिए, माइनस ए 0 माइनस सी, देखिए मैच कर रहा है, एंड बी सी 0, बी सी 0 आल्सो, एंड ट्रांसपोज यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। कंडीशंस आप देखे थे, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है ना, ये बराबर हुआ करती है, दैट मींस चाहे इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करें, विच इज इक्वल टू डेल्टा, मींस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के इक्वल हुआ करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये सिंबल डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो डेल्टा ट्रांसपोज इक्वल टू डेल्टा मान लीजिए, या डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज इक्वल टू डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट, एंड डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट अगर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, एंड होल डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस वन, सो दिस वन मींस 0 ए माइनस बी, 0 ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, एंड बी सी 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, हमने क्या किए, डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हुआ करता है, क्योंकि आपको बताया गया ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं करता, वैल्यू बराबर आया करती है, तो हमने क्या किया, इसके प्लेस पर उसकी वैल्यू लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, एंड डिटर्मिनेंट ये ऑलरेडी चल रहा था, तो दोनों एड ओवर कितना हो जाएगा, टू डिटर्मिनेंट, एंड टू 0 भेज देंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, और हमें यह भी शो करना था कि ये डिटर्मिनेंट जो आप सपोज कर रहे हैं, कौन सा डिटर्मिनेंट, ये 0 ए माइनस बी, माइनस ए 0 माइनस सी, बी सी 0, इट्स द वैल्यू शुड बी 0, तो देखिए 0 आ गया, आ गया ना 0, तो ये आपको 0 लाना था। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बस देखकर पहचान में आ गया था कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, ऐसे केसेस में इसकी वैल्यू 0 होगी, और ये प्रॉपर्टीज थी मैंने बताया अभी तक कि क्वेश्चंस में लेकर चलूंगा पिछले वीडियो में, ठीक है ना। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर मैं इसी में 7 आपको बताता हूँ, आपने क्वेश्चंस को एक बार कंप्लीटली देख लिए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, माइनस ए स्क्वायर ए बी एंड ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी एंड माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। आप अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी, सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड करनी होती राइट हैंड साइड में, वो इसमें से निकालने की कोशिश कीजिए, पहले वही लाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है, या तो फिर 2 0 बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो 2 0 तभी बनाइए जब आप ये पहले कॉमन लाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इसमें सभी में ए है, देखिए ए स्क्वायर है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इसमें देखा जाए तो ये बी बी स्क्वायर बी है, और इसमें देखा जाए तो सी सी स्क्वायर सी, या ऐसे भी देख लीजिए, इसमें ए स्क्वायर है, ए है, ए है, इसमें बी है, बी स्क्वायर है, बी सी है ना, तो बी सब में है, तीनों में है, या सी 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 तीनों में है, तो चाहे आप ऐसे, चाहे कॉलम वाइज और चाहे रो वाइज, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, बिकॉज सभी रो में, सभी इस रो में ए है, इस रो में बी कॉमन है, इस रो में सी है, क्योंकि सी सबके साथ ही इंक्लूड है, देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ, तो सी सब में से कॉमन हो जाएगा, एक एक सी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से सी हट जाएगा, यहाँ से भी सी हट जाएगा, और यहाँ 2 सी है तो 1 सी बच जाएगा, सिमिलरली इसमें से बी कॉमन हो जाएगा और इसमें से ए कॉमन हो जाएगा, चाहे तो आप रो वाइज कॉमन ले लीजिए और चाहे कॉलम वाइज ले लेंगे, कॉलम में भी वही बात हो जाएगी, देखिए ए है, ए है, ए है कॉमन हो जाएगी, बी है, बी स्क्वायर और बी है, तीनों में बी है, ए नहीं है, देखिए तीनों में ए नहीं है, तीनों में सी नहीं है, लेकिन तीनों में बी है, तो बी कॉमन हो जाएगा, क्लियर है, इसमें से देखिए, इसमें से सी 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 स्क्वायर है, तो तीनों में सी है, तीनों में ए नहीं है और तीनों में बी नहीं है, कॉलम सी थ्री में, सी थ्री कॉलम में क्या नहीं है, तीनों में ए नहीं है,
थ्री में तीनों एलिमेंट में बी नहीं है, बट तीनों में क्या है, सी कॉमन है। तो चाहे रो में चाहे कॉलम में आप कॉमन ले लीजिए जो पहले कॉमन हो रहा है। तो टेकिंग आउट, चलिए मान लीजिए आर ओ रिगार्डिंग लेते हैं, है ना, रो रिगार्डिंग लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर अप्लाइंग लिखते हैं, ऑपरेटिंग लिखते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं टेकिंग आउट ए फ्रॉम आर वन, चलिए ए फ्रॉम आर वन, बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम किससे कॉमन ले, आर थ्री से कॉमन ले लिए, ठीक है, सी फ्रॉम आर थ्री, हमने सी किससे कॉमन ले, आर थ्री से कॉमन ले लिए, ठीक है। तो चलिए कॉमन अगर लेते हैं तो क्या बच जाएगा, देखिए इसमें से ए कॉमन ले रहे हैं तो आप ले लीजिए कॉमन ए, दूसरे वाले में से बी कॉमन ले रहे हैं तो आप बी करेंगे इंटू बी हो जाएगा, तीसरे वाले रो से सी कॉमन ले रहे हैं तो इंटू कितना हो जाएगा सी। अब आप जब कॉमन ले लिए इसमें एक एक ए कॉमन ले लिए तो दो ए है तो यहाँ क्या बच जाएगा वन ए, एंड नेक्स्ट वन इज वन ए दैट मीन्स बी बचेगा, यहाँ से ए कॉमन हो गया तो क्या बचेगा सी बच जाएगा, ओके। सिमिलरली इनमें से बी कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन लेंगे तो ए बचेगा माइनस बी बचेगा एंड सी बच जाएगा, इन सभी में से सी कॉमन ले लीजिए, जब सी कॉमन लेंगे तो ए एंड बी एंड माइनस सी, ठीक है। आपने रो में से कॉमन ले लिए, अब आप देखिए फिर कॉमन हो पा रहा है क्या, देखिए फिर से कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस वन है ए है माइनस ए एंड ए, तीनों में ए है, ऑल द थ्री एलिमेंट ऑफ बी है, ऑल द थ्री एलिमेंट ऑफ सी है कि नहीं। तो आप एक काम करिए फिर से कॉमन ले लीजिए, कैसे कॉमन लेंगे, रो वाइज तो कॉमन होगा नहीं, रो में तो ओनली ए बी सी है, कॉमन कैसे होगा, जो कॉमन दिख रहा है, कॉमन कहाँ दिख रहा है, कॉलम में दिख रहा है ना, कॉलम में दिख रहा है सी वन सी टू एंड सी थ्री, तो कॉमन कहाँ से लेंगे, सी वन से सी टू से एंड सी थ्री से। तो लिखिए फिर से टेकिंग आउट, आप कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग आउट ए फ्रॉम किससे, ए कहाँ से लेंगे आर वन से, बी फ्रॉम सॉरी आर वन नहीं सी वन से है ना, सी वन से एंड बी फ्रॉम सी टू एंड सी फ्रॉम हमने कॉमन कहाँ से लिए सी थ्री से, कॉमन जब ले रहे हैं सी थ्री से कॉमन ले रहे हैं, ओके। तो कॉमन लेंगे तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए ए बी सी ऑलरेडी है, जब ये कॉमन ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, भाई देखिए ए बी सी था, इसमें से ए कॉमन हो गया तो ए स्क्वायर बना दिया, इसमें से जब बी कॉमन हुआ तो ये इसके साथ क्या हो गया बी स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें से जब सी कॉमन हो जाएगा तो सी ऑलरेडी है बाहर, सी कॉमन और हुआ तो सी स्क्वायर हो जाएगा, हमने एक साथ लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है ना। अब जो बच जाएगा, बचा क्या, ए जब कॉमन हो गया सब में से तो माइनस वन वन एंड वन, जीरो तो नहीं बचेगा ना भाई, ए का मल्टीपल क्या है, ए का मल्टीपल क्या वन है, तो यहाँ माइनस वन वन एंड वन बचा, ओके। इसमें देखिए बी का मल्टीपल, तो बी अगर कॉमन हो जाता है तो वन माइनस वन एंड वन यही बचेगा, इसमें से सी कॉमन हो गया तो कितना बचा वन वन एंड माइनस वन, इज इट क्लियर। अब आप क्या हुआ, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, हमारे पास जितना कॉमन चाहिए हमने कॉमन ला दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए था हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ला दिए, अब आपको फोर चाहिए, फोर तो देखिए कहीं आने वाले नहीं, वन कॉमन लेंगे तब भी वन बचेगा, तो वन तो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब आप कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, आप दो जीरो बना दीजिए, दो जीरो बनाने के लिए किसी रो को किसी के साथ ऐड कर दीजिए, किसी नंबर में किसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखें अगर मैं आर वन और आर टू को ऐड कर दूं, जैसे आर वन में आर टू को ऐड करता हूं तो माइनस वन प्लस वन क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन क्या होगा जीरो हो जाएगा, और वन प्लस वन क्या होगा टू हो जाएगा। आप चाहें तो इससे ऐड कर दीजिए, सी वन और सी टू को ऐड कर दीजिए, देखिए माइनस वन प्लस वन कितना हो गया जीरो, वन माइनस वन कितना हो गया जीरो, वन प्लस वन कितना हो गया टू, तो किसी को भी ऐड कर दीजिए दो जीरो तो बन ही जाएगा, चाहे रो से और चाहे कॉलम से, ओके। तो चलिए हम रो को अप्लाई कर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है आर वन, तो आप रो भी आर वन कर लीजिए या जैसा भी आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आर वन अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू, मैंने आर वन में आर वन प्लस आर टू दोनों जोड़ दिया, ठीक है। जब एड करेंगे यार तो क्या बच जाएगा, यह हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस वन प्लस वन दोनों जुड़ जाएगा ना, इस रो में इस रो को एड कर दीजिए तो माइनस वन प्लस वन कितना होगा, लिख देता हूं मैं, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, वन में माइनस वन एड कर दिए हैं, आर वन में आर वन लिखे हैं तो इसका मतलब आर वन चेंज होगा बस, ठीक है ना। तो आर वन में आर टू जोड़ दिए, नेक्स्ट R1 में R2 ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ओके। ये बच जाएगा 1, क्या बचेगा फिर, R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा बिकॉज R1 बस चेंज कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएंगे 1 1 एंड माइनस 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, आप इसको लिख लीजिए कंप्लीटली, तो क्या बच जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड
माइनस वन प्लस वन कितना हो गया भाई, जीरो, है ना। माइनस वन प्लस वन कितना हो गया, जीरो। वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो। नेक्स्ट वन प्लस वन कितना हो गया, टू। तो आप लिख दीजिए टू, एंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमेनिंग एलिमेंट वन माइनस वन वन। सेम वही लिख दीजिए, वन माइनस वन एंड प्लस वन, वन वन एंड माइनस वन, वन वन एंड माइनस वन। ठीक है, आपने दो जीरो बना दिए, जो डिटरमिनेंट के मेन प्रॉपर्टीज का मकसद यही होता है। क्या यही होता है, कम से कम डिटरमिनेंट में दो वैल्यू जीरो बना दीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो जीरो आ जाए। तो जिस रो या जिस कॉलम में दो जीरो आया उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर दो जीरो किस में बना, टू जीरो जो बने हैं एलिमेंट वो किस में है, आर वन में है। तो एक्सपेंडिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आर वन में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसमें दो जीरो आता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें टू जीरो बन जाता है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आर वन, जिसमें दो जीरो बना मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका को फैक्टर लेना नहीं है, बिकॉज जीरो जीरो का जब को फैक्टर लेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसका को फैक्टर लेना नहीं है, देखिए ये प्लस माइनस प्लस चल रहा है बिकॉज ये को फैक्टर की साइन हो गई। ये जीरो हो गया, जो एलिमेंट बच जाता है वो एलिमेंट इनटू उसका को फैक्टर बस लेना होता है, बाकी किसी का नहीं लेना पड़ता बिकॉज मल्टीप्लाई करते समय जीरो हो जाता है। तो एक्सपेंडिंग में ध्यान दीजिएगा, जिसमें दो जीरो हो जाता है उसके अलावा जो एलिमेंट बच जाता है जो जीरो नहीं होता है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना होता है। आप उसके ऊपर साइन लिख दीजिए, को फैक्टर का सिंबल लिख दीजिए, कैसे, प्लस माइनस प्लस है तो बताया गया था एक्सपेंडिंग में। तो अब आप एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू आर वन जो एलिमेंट जीरो नहीं हुआ है, ओके। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कौन सा एलिमेंट जीरो नहीं हुआ, टू जीरो नहीं हुआ, टू के को फैक्टर, टू का साइन प्लस हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस प्लस चल रहा है, या एलिमेंट ले लीजिए टू ले लीजिए और टू का माइनर निकाल लीजिए, है ना, टू का को फैक्टर, बिकॉज अगर हम प्लस ले लिए हैं तो को फैक्टर तो साइन प्लस हो गया। तो अगर देखा जाए तो टू का को फैक्टर भी देखा जाए तो क्या होगा, टू जिस कॉलम और जिस रो में आया है वो बंद हो जाएगा, ओके, ये बंद हो गया। तो बचा क्या, वन वन माइनस वन, है ना, क्या बचा, वन वन माइनस वन वन, ध्यान दीजिए दो जिस रो और जिस कॉलम में हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो बचा वन माइनस वन जो कि मेंशन किया हूं, और वन वन बचा, ओके। तो ये जब बच गया, अब आप इसी को एक्सपेंड कर लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टू, ओके। यहां देखिए क्या होता है, क्रॉस है ना, मेन डायगोनल माइनस हाफ डायगोनल करते हैं, तो वन का वन से मल्टीप्लाई, वन बीच में माइनस लिखते हैं, वन इंटू माइनस वन कितना होगा, माइनस वन, भाई वन इंटू माइनस वन माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टू, एंड वन प्लस वन कितना हो गया, टू, तो टू इंटू टू कितना हो गया, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच एस, आर एच एस हो जाएगा। जहां जरूरत पड़े, देखिए प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा है, इसके लिए भी कंडीशन, अगर आप इसको सही से करेंगे तो सिक्स प्रॉपर्टी सिक्स स्टेट में ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसे मान लीजिए हमने वन टू थ्री, बहुत ज्यादा हमने, ये तो फोर बनी जाएगा, तो वन टू थ्री में हमारा कंप्लीट हो गया था। आप कोशिश करेंगे अगर सही से तो ये सिक्स स्टेप के इनसाइड या सिक्स स्टेप तक में ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्लीटली क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट में टू पार्ट्स है, एट में फर्स्ट पार्ट में लेकर चल रहा हूँ। देखिए फर्स्ट पार्ट है वन 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 एंड ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो डिटर्मिनेंट गिवन है, एंड फाइंड करना है ए, हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या कॉमन हो पाता है क्या, तो कॉमन के बारे में अगर सोचें तो कॉमन देखिए इस तरह से भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ ए है यहाँ ए है बट यहाँ ए नहीं, इसलिए कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, न इसमें हो पाएगा न ऐसे हो पाएगा, और न तो हम अगर ऐसे करें, देखिए इसमें वन है कोई मतलब नहीं कॉमन लेने का, ए बी सी, ए बी सी तो कॉमन होगा नहीं, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा, तीनों ए बी सी कॉमन तो होगा नहीं बिकॉज तीनों में बी नहीं है, तीनों में ए नहीं है, और थ्री ऑल द थ्री एलिमेंट्स आर सी नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं होने वाला क्योंकि सब में सेम एलिमेंट होना चाहिए और सब में डिफरेंट एलिमेंट है, ओके। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जिससे कि हम कॉमन लेकर ये वैल्यू ला सकें, तो कॉमन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा जो उपाय होता है, हम इसको दो जीरो बनाने की कोशिश करें। दो जीरो बहुत सिंपल बन सकता है, देखिए ये सारे वन वन है,
और 1-1 होने पर 2-0 आराम से बनाया जा सकता। कैसे बनेगा देखिए, अगर किसी एक को ले लीजिए, जैसे मैंने R3 को ले लेता हूँ, R3 को R1 से माइनस कर दीजिए, भाई 1-1 0, और जो R3 अगर किसी से माइनस हो रहा है तो वह इससे भी माइनस हो जाएगा, मतलब R2 से भी माइनस कर दीजिए R3 को, या R1 से भी कर दीजिए, या किसी एक को कर लीजिए, किसी एक को जैसे R1 को कर लीजिए R2 से माइनस, और R1 को R3 से माइनस कर लीजिए, तो कोई भी 2-0 बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए, वो जो 2-0 बन जाएगा तो एक्सपेंड करेंगे तो हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो जहां हमें कॉमन नहीं हो पाता है वहां पर हम क्या करते हैं, 2-0 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए 2-0 बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम क्वेश्चंस में। लेफ्ट हैंड साइड में हम यहां पर किसी भी दो को माइनस कर रहे हैं, हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग R1 में हमने R3 को माइनस कर दिए, और R3 जब इससे माइनस हो ही रहा है, एंड R2 माइनस R3, हमने R1 में R3 को भी माइनस कर दिया और R2 में भी R3 को माइनस कर रहे हैं, इससे क्या होगा, R3 जब एक एक के साथ क्या दोनों के साथ माइनस हो सकता है, ठीक है ना, एक के साथ भी माइनस हो सकता है और दोनों के साथ भी। तो चलिए माइनस कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये देखिए हम R1 में R3 को माइनस कर रहे हैं, दैट मींस 1-1 कितना हो जाएगा, 0। यहां देखिए R1 माइनस R3, R1 का एलिमेंट A है और R3 का एलिमेंट C है, तो क्या बचेगा, A माइनस C, R1 माइनस R3 दैट मींस क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, तो 1-1 कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट B में से C को माइनस कर लीजिए, क्या बचेगा, B माइनस C, और B स्क्वायर में से C स्क्वायर को माइनस कर लीजिए, क्या बचेगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, बचा क्या हमारे पास, 1C एंड C स्क्वायर, ठीक है ना। हमने क्या किया, बस माइनस कर दिए, हमें 2-0 मिला, हम एक्सपेंड कर लेंगे। कोशिश कर लीजिए कि जो आपने माइनस प्लस किया उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर कहीं कॉमन होता तो कॉमन लीजिए, फिर आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, जिसमें 2-0 हुआ उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, 0-0-1, ये देखिए ए माइनस सी है, रहने दीजिए इसको ऐसे, बी माइनस सी एंड सी, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, जिसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं ना, याद है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, याद है ना, ये तो है आइडेंटिटीज हमारे पास थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए माइनस सी एंड ए प्लस सी लिख सकते हैं। सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या लिखेंगे, बी माइनस सी एंड बी प्लस सी एंड सी स्क्वायर, ओके। अब आप जरा देखिए ध्यान से, तो इसमें तो ए माइनस सी है नहीं, बट यहाँ पर ए माइनस सी और इसमें ए माइनस सी है, तो यहाँ जीरो है ना, तो जीरो में से कुछ भी मान लीजिए, तो हम अगर देखें तो तीनों में ए माइनस सी है, भाई जीरो है तो जीरो का जगह ए माइनस सी, अगर इसका मल्टीपल कर लें यहाँ पर तो ए माइनस सी कॉमन होगा तो बचेगा तो जीरो ही ना, तो जीरो में से कुछ भी कॉमन लेंगे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इस रो में R1 में ए माइनस सी कॉमन होगा, बिकॉज ये ए माइनस सी और यहाँ जीरो है, तो जीरो है तो जीरो ही बचेगा, और इसमें बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा, बिकॉज दो में बी माइनस सी, तीसरा तो जीरो है, तो जब बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो जीरो के साथ मान लो बी माइनस सी है, ओके ऐसा मान लेते हैं, तो मान लेंगे तो बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो जीरो ही बचेगा, तो जीरो में से कुछ भी कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस को बांध कर चले, तो टेकिंग आउट ए माइनस सी फ्रॉम R1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम R2, जो कॉमन हो गया उसको कॉमन लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, मेरा बस कहने का इतना मतलब है, ठीक है। तो टेकिंग आउट a माइनस सी फ्रॉम, किससे कॉमन लें, R1 से, एंड बी माइनस सी, एंड बी माइनस सी किससे कॉमन लें, फ्रॉम R2 से, R1 से a माइनस सी एंड R2 से b माइनस सी कॉमन ले लिए। चलिए मैं यहां लिख देता हूं कॉमन के पार्ट को, a माइनस सी कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा a माइनस सी बाहर, b माइनस सी सेकेंड रो से कॉमन लीजिए, इनटू हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा, अब जो बच जाएगा उसको लिख लीजिए, बचेगा क्या, जीरो है तो जीरो ही बचेगा, उसमें से कुछ भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ a माइनस सी देखिए ये वाला पार्ट पूरा कॉमन हो गया, तो 1 बचा, भाई a माइनस सी कॉमन हो गया, क्या बचा, 1। नेक्स्ट वाले में a माइनस सी था, a माइनस सी कॉमन हो गया तो बच गया हमारे पास a प्लस सी, चलिए हमने ये लिख दिए, अब जो बचा वो लिख लीजिए, 0 बी माइनस सी कॉमन 1 एंड बी माइनस सी यहाँ कॉमन, तो बी प्लस सी बचा, तो यहाँ बच जाएगा 0-1 एंड बी प्लस
सी। और तीसरा लाइन जो बनी वह वन सी एंड सी स्क्वायर बच गया, वन सी एंड सी स्क्वायर बच गया। अब आप कर लीजिए, देखिए अब कई कामों में नहीं होने वाला है। और दो जीरो किस में बना है, सी वन में, तो एक्सपेंडिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे फिर, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग सी वन जिसमें दो जीरो बना है, एक्सपेंड करिए। देखिए ये क्या है, ए वन वन के प्लेस पर है, इसकी साइन प्लस हो जाएगी। ये ए टू वन के प्लेस पर है, टू वन का मतलब टू प्लस वन थ्री माइनस हो जाएगा, और ये थ्री वन है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे भी चलते हैं, जैसा उसका एलिमेंट का प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंग साइन लिख दिया करते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस हो गया, इसका साइन बताया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलती है, जैसे ऑड होगा मतलब रो और कॉलम, वन प्लस टू बनता तो ऑड होता है, वन प्लस वन बनता तो टू बनता, तो ये प्लस हो जाता था, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सी वन चलते हैं, तो ये ए माइनस सी, यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी, ये देखिए एलिमेंट वन ले रहे हैं, तो ये कितना होगा वन। अब वन जिस रो और जिस कॉलम में है उसको बंद कर लीजिए, जैसे वन हमारे पास यहाँ है, हमने इस रो में ले लिए और वन इस कॉलम में ले लिए, जो बच गया उसको लिखेंगे, बचा क्या, देखिए वन वन ए प्लस सी बी प्लस सी बचा है, तो लिख लीजिए वन वन ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। को फैक्टर का साइन प्लस है तो हमने इसलिए प्लस वन ले लिए, ठीक है, वन को दिखाने जरूरत नहीं है, अगर आप दिखाना चाहें तो लिख दीजिए ए माइनस सी बी माइनस सी। अब ये देखिए कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये टू क्रॉस टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस हाफ डायगोनल करते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल कितना हो गया बी प्लस सी माइनस, माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई ए प्लस सी से, तो माइनस ए प्लस सी ये हो गया। तो इसको पूरा अगर सॉल्व कर लें तो ए माइनस सी बी माइनस सी, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, तो ये आ जाएगा टोटल ए माइनस सी बी माइनस सी एंड बी माइनस ए, ओके। अब लाना क्या है उसको देख लीजिए, लाना a माइनस बी, जबकि हमारे पास b माइनस ए है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, b माइनस सी लाना था, b माइनस सी ऑलरेडी है, बट a माइनस सी की जगह c माइनस ए चाहिए था, तो आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये टोटल का टोटल मिल जाएगा, तो हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, माइनस एंड माइनस, तो बचा क्या, सी माइनस ए बच जाएगा, बिकॉज ए माइनस सी में से माइनस कॉमन ले लिए हैं, b माइनस सी में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया गया, और इसमें से a b माइनस ए में से माइनस कॉमन लिया तो a माइनस बी हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस, तो टोटल सीरियल वाइज लिख दें a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस ए विच इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जहां आपको कॉमन नहीं होता है वहां दो जीरो बनाइए और उसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, वहां ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दे दिया होगा क्वेश्चन में, चाहे रो में दिया है चाहे कॉलम में, देख लीजिए, ठीक है ना। तो सेम कुछ सेम ऐसे कीजिए, आप यही अप्लाई कर दीजिए, वहां सी वन माइनस सी टू करना होगा, मैं स्टेप्स लिख देता हूं अगर चाहे तो, और बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बस एकदम इजिली क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए थोड़ा स्टेप लिख देता हूँ, आप एक बार कंप्लीटली इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मैंने बताया था 8th का सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है, सेम जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, आप देख लीजिए इसमें वन 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 है, कहीं कॉमन नहीं होने वाला, जैसे आपने 8th का फर्स्ट पार्ट देखे थे। तो सेम अगर करना हो तो आप देखिए वहां पर आर वन माइनस आर थ्री किए थे और आर टू माइनस आर थ्री किए थे, यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर सी वन है, सी थ्री को एक बार इससे माइनस कर दीजिए, एक बार इससे, तो स्टेप्स मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए वो स्टेप्स मैं लिख देता हूँ। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको अप्लाई करना है, एक बार सी वन में सी थ्री को माइनस कीजिएगा और एक बार सी टू में आप सी टू माइनस सी थ्री कर लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसा जब करेंगे तो ये देखिए वन माइनस वन जीरो जरूर हो जाएगा, ये बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा, मतलब आपको जो फार्मूला अप्लाई करनी होगी वह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करनी होगी, याद है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी और क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये आइडेंटिटी बस अप्लाई करनी है, बाद में देखिए जब यहाँ बी क्यू माइनस सी क्यू बनेगा तो वहाँ बी माइनस सी रख दीजिएगा, और उसके बाद ये आइडेंटिटी जो है आप अप्लाई कीजिएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन के बाद जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखिएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको, एक्सपेंड करना है उसके बाद
ये पहले ये प्रॉपर्टीज, उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिएगा, जहां दिक्कत आएगी वहां पर मैंने ये लिख दिया हूँ, बस इतने की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफरेंट है, बट ये भी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई, y z and z x and x y है, x y ठीक है ना। तो x y यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में x minus y minus z z minus x है। तो ऐसा कीजिए, आप अगर बनाना चाहें, देखिए पहले कॉमन तो नहीं, कहीं भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉमन नहीं हो रहा है। आप अगर चाहेंगे तो देखिए यहाँ y z है, यहाँ z x है, यहाँ x y है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ x का मल्टीप्लाई, यहाँ x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तीनों x y z बन जाए, सॉरी इसमें x, इसमें y, इसमें z, ये तीनों x y z बन जाता है। और ये बन जाता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब बन जाएगा। फिर माइनस कीजिए तो बन जाते हैं कंडीशन, मैं मान सकता हूँ। और मैं उनका हूँ कि अगर उसको भी नहीं करना है तो प्रॉपर्टी दूसरा क्या है भाई, जो चीज़ें लाना है वो पहले ला दीजिए। लाना क्या है, x माइनस वाई, तो x में से y को माइनस कर लीजिए। अब y जो है x में से माइनस हो रहा, तो y को z से भी माइनस कर लीजिए, z माइनस वाई, बिकॉज y माइनस जेड भी चाहिए, तो z माइनस वाई ला दीजिए। और जब दोनों ला देंगे तो फिर आप कॉमन अप्लाई कीजिए, कॉमन होने के बाद दो जीरो बनाने लायक आइडिया मिल जाएगी आपको। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। मैं यहाँ पर जो लाना है मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ अप्लाइंग। किसी एक को माइनस करना चाहे किसी एक को माइनस कर लीजिए। आप चाह रहे हैं कि आर थ्री को माइनस करना, तो आर थ्री को ही माइनस कीजिए, मैं वही कर देता हूँ। अप्लाइंग आर वन में आर वन माइनस आर थ्री, सी वन माइनस सी थ्री मत कीजिएगा, नहीं हो पाएगा, सी वन माइनस सी टू नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हम आर वन में से आर थ्री को माइनस कर दे रहे हैं एंड आर टू में आर टू माइनस आर थ्री माइनस कर रहे हैं, आर टू माइनस आर थ्री कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस जे, देखिए r1 है या r3 है, नेक्स्ट क्या होगा x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आर वन माइनस आर थ्री, नेक्स्ट यहाँ पर वाई जेड माइनस एक्स वाई बच गया आर वन माइनस आर थ्री। यहाँ देखिए r2 माइनस आर थ्री कर रहे हैं, y माइनस जे, ये कितना बच जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये बच जाएगा जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, ठीक है। ये हमने आर वन में से आर थ्री एंड आर टू में से भी आर थ्री माइनस कर, देखिए आर टू माइनस आर थ्री, आर टू माइनस आर थ्री कर दिए। अब आपके पास जो कॉमन होगा पहले कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस जेड है, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लेगा, क्या होता है एक बार माइनस हो जाता है एक बार प्लस हो जाता है, दैट मीन्स एक्स माइनस जेड एंड एक्स प्लस जेड होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड एंड एक्स प्लस जेड। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस जेड सब में आ रहा है, इसमें भी एक्स माइनस जेड है, यहाँ पर भी एक्स माइनस जेड, इन दोनों का फैक्टर होने के बाद आया, तो यहाँ पर एक्स माइनस जेड लाने के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस जेड। देखिए माइनस अगर वाई कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस जो एक्स है वो प्लस हो जाएगा, और जेड वाला जो प्लस है वो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, क्योंकि हमने तीनों में एक्स माइनस जेड है, एक्स माइनस जेड कॉमन हो जाएगा और हमें तो लाना है जेड माइनस एक्स, तो बाद में माइनस कॉमन लेकर उसको जेड माइनस एक्स बना लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर x माइनस जेड बना दिए। अब दूसरे वाले को लेकर चलते हैं, y माइनस जेड बना है तो ये लिख दीजिए y माइनस जेड। यहाँ देखिए y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो इसको लिख दीजिए y माइनस जेड एंड y प्लस जेड। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लें, बिकॉज ये y माइनस जेड बना हुआ है, चलिए ये भी y माइनस जेड बना है, तो ये y को प्लस करना है z को माइनस, तो यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा y माइनस जेड बच जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा, z z स्क्वायर एंड x y, ठीक है। अब देखिए x माइनस जेड एंड x माइनस जेड फ्रॉम आर वन एंड y माइनस जेड एंड y माइनस जेड फ्रॉम आर टू कॉमन हो सकता है, तो लिख लीजिए इसको टेकिंग आउट, यहां लिखते हैं टेकिंग आउट x माइनस जेड फ्रॉम आर वन
एक्स माइनस जेड फ्रॉम आर वन एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम आर टू, वाई माइनस जेड फ्रॉम आर टू, एक्स माइनस जेड फ्रॉम आर वन एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम आर टू। तो चलिए कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस जेड एंड वाई माइनस जेड, यह आ गया कॉमन आपका। तो कॉमन ले लेंगे तो यहां वन बचेगा, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड एंड एक्स माइनस जेड तीनों में से कॉमन हो गया, क्या बचा, वन बच गया। इसमें से बचेगा एक्स प्लस जेड, लिख दीजिए एक्स प्लस जेड बच गया, और यहां बचेगा माइनस वाई, ये भी लिख दीजिए माइनस वाई बच गया। ओके, नेक्स्ट बच जाएगा वाई माइनस जेड कॉमन, सो वन बचा। नेक्स्ट यहां पर वाई माइनस जेड कॉमन, सो वाई प्लस जेड बचा, क्या बचा है वाई प्लस जेड, एंड माइनस एक्स कॉमन हो गया तो माइनस एक्स आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यहां सॉरी माइनस एक्स, वाई माइनस जेड कॉमन होने पर माइनस एक्स बचा। नेक्स्ट बचेगा जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, तो ये लिखा हमारे पास जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई बच गया, ठीक है, एक्स वाई बच गया आपके पास। अब आप बताइए जी क्या करें, अब हमें दो जीरो तो बनाना ही है, दो जीरो कैसे बनाया जाए फिर, चलिए पहले तो एक तो जीरो बना लें, दो जीरो बाद में देख लिया जाएगा, हम वन को वन से माइनस कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास दो जीरो बनता है कि नहीं, ठीक है ना, हम एक जीरो कम से कम बना लेंगे, वन को वन से मतलब आर वन को आर टू से माइनस कर लेते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं फिर, कम से कम एक जीरो तो बन जाए पहले, अप्लाइंग आर वन में आर वन माइनस आर टू कर रहे हैं, तो चलिए अप्लाई कीजिए, एक्स माइनस जेड बचा क्या, वाई माइनस जेड, अब क्या बचा, आर वन में आर टू को माइनस कीजिए, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो, भाई आर वन को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट बचा एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस आर टू है, आर टू क्या है वाई प्लस जेड है, तो माइनस अगर करेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, भाई माइनस और आर टू की जो एलिमेंट है उसको माइनस कर दीजिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर, तो माइनस इंटू वाई एंड माइनस इंटू जेड, दैट मीन्स माइनस वाई माइनस जेड, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जा रहा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आ जाएगा वाई प्लस एक्स डिटर्मिनेंट में, और ये बचेगा वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, ठीक है, जेड एंड माइनस जेड एंड प्लस जेड बोथ आर कैंसिल, जब कैंसिल हो जा रहा है तब आप जरा देखिए क्या बच रहा है, क्या कॉमन होने लायक बच रहा है क्या, अब बचा हमारे पास एक्स माइनस वाई, और यहां भी देखिए एक्स माइनस वाई है ना बचा, जब हम क्या लाइन लिखे, एक लाइन लिखेंगे उसके बाद, तो आप देखिए एक्स माइनस वाई यहाँ बचा, एक्स माइनस वाई यहाँ बचा, तो एक काम कर सकते हैं, या तो पहले कैंसिल किए तो इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई, इसको मैं पहले एक्स को लिख दिया तो ये एक्स माइनस वाई हो गया है ना, और ये बचा वन, नेक्स्ट इज वाई प्लस जेड, यहाँ बचा माइनस एक्स, ये जेड एंड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब हम देखें तो इसमें x माइनस वाई है, दो में है और तीसरा जीरो है, तो y x माइनस वाई मान लेते हैं, तो तीनों में अगर देखा जाए तो x माइनस वाई कॉमन हो सकता है, अगर हम लिखें यहाँ पर तो लिख सकते हैं टेकिंग आउट x माइनस वाई फ्रॉम आर, टेकिंग आउट x माइनस वाई फ्रॉम आर, अगर आर वन से कॉमन लेते हैं तो यह बच जाएगा x माइनस जेड y माइनस जेड एंड x माइनस वाई, ये टोटल जो आएगा जीरो वन वन, देख लीजिए जीरो वन वन हो गया, और ये कितना बचा वन, नेक्स्ट y प्लस जेड एंड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अभी तो हमारे पास इतना बचा, दो जीरो बनाना है, एक जीरो बन चुका है, एक वन को वन से माइनस कर लें, सी टू और सी थ्री को माइनस कर लें तो ये भी जीरो हो जाएगा, और दो जीरो हो गया तो एक्सपेंड करने लायक हो जाएगा, तो हम चलते हैं इसके बाद की लाइन मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिए थे, तो हम यहां पर लिखते हैं अगली प्रॉपर्टीज में, देखिए स्टेप वन हो गया, और हमारे पास कितने स्टेप हुआ, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, मेरे हिसाब से चौथा स्टेप ये चला है। अब हम इसमें C2 और C3 में से किसी एक को माइनस कर लेते हैं ताकि दो जीरो बन जाए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट में अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3 कर दे रहे हैं, C2 माइनस C3 करेंगे
आप देखिए ध्यान से, x माइनस जेड है, y माइनस जेड है, x माइनस वाई है, और ये देखिए c1 कहीं कोई चेंजिंग नहीं, हमने इसको ऐसे लिख दिया। c2 माइनस c3 कर लेंगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। नेक्स्ट बचेगा y प्लस जेड माइनस c3 है, और c3 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस है, तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस x हो जाएगा। और दूसरा जो बचेगा, जो भी बचे देखिए, जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई, ये बच जाएगा। और तीसरी लाइन c3 में कोई चेंज नहीं, बस c2 में चेंज हो रहा है, तो c3 में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए माइनस एक्स एंड एक्स वाई वैसे लिख दिया गया। अब क्या करें भाई, 2-0 बन गया हमारे पास, तो हमें एक्सपेंड करने लायक हो गए। बाकी देखिए तीन चीजें मिल गई हमारे पास, जो क्वेश्चन में 3 चीजें चाहिए था, हमने 3 ला दी है। अब क्या करना है, हम इसमें एक्सपेंड कर देते हैं R1 को। तो यहां पर लिखें एक्सपेंडिंग अलोंग R1। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं, R1 में है, क्या होगा साइन, प्लस माइनस प्लस। 1 का कोफैक्टर ले लेना है, 1 के साथ कोफैक्टर, कोफैक्टर की साइन प्लस होगी, तो माइनर ले लीजिए इसका, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, और ये कितना होगा इनटू 1। अब देखिए 1 जिस कॉलम में और जिस रो में, ये रो और ये कॉलम बंद कर दीजिएगा, तो बचा 1 जेड वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, सॉल्व कर ले, मेन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस हाफ डायगोनल, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेन डायगोनल कितना होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड का मल्टीप्लाई इससे, इन तीनों से हो जाएगा, तो जेड का मल्टीप्लाई वाई से कीजिए माइनस वाई से, जेड का मल्टीप्लाई जेड से कीजिए माइनस जेड स्क्वायर, एंड जेड का मल्टीप्लाई एक्स से कीजिए, सो इट विल बी माइनस जेड एक्स। माइनस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर इज कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई। ये देखिए माइनस माइनस एंड तीनों माइनस बचा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड एक्स। क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो आया है आपका एक्स माइनस वाई, है ना, दूसरा आया है वाई माइनस जेड, तीसरा जो पार्ट होगा वो जेड माइनस एक्स है, जबकि ये क्या है एक्स माइनस जेड है, तो इस माइनस को मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और बचा जो बाकी पार्ट बच गया वो लिख दीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड विच इज इक्वल टू आर एच एक्स। क्वेश्चन कुल मिलाकर 5 स्टेप हमारे हिसाब से हुआ है। अच्छा चीजें, एक चीज और है कि मैंने आप क्वेश्चन जरूर 5 या 6 स्टेप मान लीजिए, एक्सपेंडिंग को भी कैलकुलेट कर ले, तो जी है हमारे पास क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैंने जो मेथड बताया वही आप कीजिए, आप ट्राई करेंगे तो किसी और तरीके से भी हो सकता है, मुझे जो लगा मैंने आपको एक्सपेक्टेड मेथड बता दिया हूँ, ठीक है, तो ये अच्छा लगा तो इससे कीजिए, क्योंकि मैं वही लेकर चलता हूँ जो प्रोबेबल सभी में अप्लाई हो सके, ठीक है, तो एक बार कंप्लीटली नोट कीजिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखा हूँ, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है 1 एंड 2 अगर देखें ध्यान से, तो इसमें x प्लस 4 2x एंड 2x सेम क्वेश्चंस है, देख लीजिए एलिमेंट्स आपके इज इक्वल टू 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस x का होल स्क्वायर लाना है, ठीक है। सिमिलरली ये आपके y प्लस k कंडीशन है, दोनों एकदम एक जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ y y है तो यहाँ 2x 2x है, यहाँ y प्लस k है तो x प्लस 4 है, ठीक है, जो स्टेप्स इसमें अप्लाई करेंगे वही स्टेप्स इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 1 पार्ट लेकर, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आप सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 10 का फर्स्ट पार्ट, इसके लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए LHS में डिटर्मिनेंट्स को सबसे पहले नोट कर लेते हैं x प्लस 4 2x एंड 2x, नेक्स्ट वन इज 2x x प्लस 4 2x एंड 2x अगेन 2x एंड एक्स प्लस 4। आप देखिए लाना क्या है, 5x प्लस 4 लाना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन तो कहीं नहीं होने वाला, देखिए x तो कॉमन नहीं, इसमें x है लेकिन यहाँ x प्लस 4 है, जबकि सब मल्टीपल में होता तब तो कॉमन होगा, तो कॉमन कहीं नहीं होने वाला। अब क्या करें, कॉमन देखिए ऐसे भी देख लीजिए, रो वाइज भी देख लीजिए, कॉलम वाइज भी देख लीजिए, कहीं कुछ कॉमन नहीं दिखेगा आपको। अब क्या करना चाहिए,
अब आपको पहले देखिए लाने के लिए हमें क्या मिल जा रहा है, कुछ ऐसे ऐड करने पर किसको ऐड करें या किसको सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा काम हो जाए। तो देखिए अगर हम 2x + 2x + x तीनों को ऐड कर दें तो 2 2 4 4 + x कितना होगा 5x एन प्लस फोर, हमें चाहिए 5x + 4, हमारा काम हो जाएगा 5x + 4 का। ऐसे ही इसमें ऐड कर लीजिएगा, सेम टू सेम वही मिलेगा। तो यहां पर मैं चाहूं तो ऐसे ऐड कर ले 2 + 2 + x, तो तीनों को चाहे तो रो वाइज और चाहे तो कॉलम वाइज ऐड कर लीजिए, आपको कॉमन मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई क्या अप्लाई करूं, आर वन में, चलिए मैं आर वन जोड़ देता हूं, आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये तीनों ऐड कर दिया, ऐसे ऐड कर दिया, चाहे कॉलम ऐड कर लीजिए, सारे बातें कही हो जाएगी। तो कॉलम या रो ऐड कर दे रहे हैं, तो चलिए ऐड कीजिए जरा इसको। इज इक्वल टू, आप अगर रो में ऐड कर रहे हैं तो देखिए x प्लस फोर में 2x एंड 2x, तो 2x + 2x + x कितना हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 5x + 4, पेपर में डायरेक्ट लिखिएगा, बस जोड़ कर दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट डायरेक्ट लिखिएगा, टाइम की बचत होगी आपके पास। 2x + x + 2x कितना होगा, ये भी हो जाएगा 5x + 4 होगा ना। नेक्स्ट 2x + 2x + x + 4 विच इज इक्वल टू 5x + 4, बच गया आपका जो एलिमेंट उसको वैसे के वैसे लिख दीजिए, बिकॉज चेंजिंग आर वन का हो रहा था तो बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे 2x 2x एंड x + 4। ये देखिए सारे एलिमेंट कॉमन हो गया ना, आर वन के सारे एलिमेंट इक्वल हो गए, तो टेकिंग आउट 5x + 4 मां आर वन कर लें 5x + 4 फ्रॉम आर वन, अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां लिख देता हूं मैं, टेकिंग आउट 5x + 4 फ्रॉम आर वन, 5x + 4 फ्रॉम आर वन कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 5x + 4 हियर 1 1 एंड 1, ठीक है, सारे एलिमेंट कितना हो गया 1 1 1 हो गया। नेक्स्ट बचेगा 2x x + 4 एंड 2x, 2x x + 4 एंड 2x, हियर 2x 2x एंड x + 4, 2x 2x एंड x + 4, अब कहीं कॉमन तो नहीं होने वाला। अब अगर आप ऐड करेंगे कैसे भी ऐड करिए तो सारे एलिमेंट बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या आएंगे बराबर नहीं आएंगे, तो क्या करना है, अब आप दो जीरो बना लीजिए। कैसे जीरो बनाएंगे, देखिए ये तीनों वन आर वन में है तो चाहे तो आप सी थ्री को इससे और सी थ्री को इससे दोनों को माइनस कर लें तो ये दोनों जीरो कम से कम हो जाएंगे, या किसी एक रो एक किसी एक कॉलम को किसी दोनों कॉलम से माइनस कर लीजिए, मतलब सी वन को चाहे तो सी टू से और सी थ्री से माइनस कर लीजिए, या सी थ्री को सी टू से भी और सी वन को माइनस कर लीजिए, या सी टू को माइनस कर लीजिए, जैसा भी आपकी इच्छा बने, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सी थ्री को माइनस कर लें, दोनों से माइनस कर दे रहे हैं, यहां मैं अप्लाई कर रहा हूं अप्लाई C1 C1 - C3, हमने C3 को दोनों से माइनस कर रहे हैं एंड C2 को C2 - C3 लिख रहा हूं, C2 में क्या कर रहे हैं C3 को माइनस कर ले रहे हैं। तो ऐसे जब केस चलेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएंगे 5x + 4, यहां पर C1 - C3 1 - 1 0, इधर देखिए 2x - 2x 1 - 1 0 एंड 2x - 2x कितना हो जाएगा 0, ये तो और इजी हो गया, दो तो जीरो इसमें बन गया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब करना चाहे तो कर लीजिए, है ना। तो ये 1 - 1 कितना हो गया 0, 2x - 2x कितना हो गया 0 एंड इसको इसको माइनस कर लीजिए 2x - 2x - x + 4, ये तो दो जीरो बन गया था, इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, अगर कर लेते हैं तो और इजी हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ा बच जाएंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट x + 4 में से 2x माइनस कर लीजिए, x + 4 - 2x, और तीसरी लाइन 2x में से x + 4 माइनस हो जाएगा, अब बचा 1 2x एंड 1 2x एंड x + 4, ठीक है, बस इसी से हो गया था 0, मैंने इसको ले लिया एक्स्ट्रा, आप चाहे तो लीजिए चाहे तो नहीं लीजिए, ठीक है ना, जब नहीं लेंगे तो ये एलिमेंट वही हो जाएगा पूरा, और नहीं तो आप ले लिए तो कोई बात नहीं, ऐसे कर देंगे। तो चलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, 5x + 4, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 0 0 एंड 2x - x + 4 विच इज इक्वल टू x - 4 होगा भाई, 2x - x = x एंड -+- दैट मींस -4, हियर 0 x - 2x दैट मींस -x + 4,
यहां देखिए 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो ये कितना बच जाएगा x माइनस 4, यहां बच जाएगा 1 2x एंड x प्लस 4, तो दो जीरो बन गया, किसमें बन गया, ऐसे भी बन गया या ऐसे बन गया, किसी से भी आप ले लीजिए, इस तरह से लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए। चलिए मैं कॉलम की अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन कर देता हूं, तो यहां मैं एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन, एक्सपेंडिंग अलोंग अगर सी वन चलता हूं तो सी वन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कीजिए, तो देखिए साइन क्या होगा, प्लस माइनस एंड प्लस, ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर मेंशन करता हूं, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4, ठीक है। अब ये प्लस माइनस प्लस है, प्लस वाला पार्ट ले लीजिए, x प्लस x माइनस 4, ठीक है ना, x माइनस 4 को फैक्टर आप x माइनस 4 देखिए, ये क्लोज कर लीजिए, ये पूरा रो जिसमें x माइनस 4 है और ये कॉलम क्या बचा, 0 माइनस x प्लस 4 1 2 है, देखिए ये कॉलम और ये रो बंद हो जाएगा, तो बच जाएगा 0 माइनस x प्लस 4 ये और ये 1 एंड 2x बचा, यहां बच गया 1 एंड 2x, ठीक है ना। तो अब क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं इसको, इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 5x प्लस 4 x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेन डायगोनल प्लस मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो 0 एंड 2 2x इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस x प्लस 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए माइनस x प्लस 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस x प्लस 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 हियर x माइनस 4, माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस माइनस प्लस x माइनस 4, x माइनस 4, अब x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों को लिख दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लाना क्या है, 4 माइनस x का होल स्क्वायर लेना, भाई माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, जरूरत है x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो चाहे 4 माइनस x स्क्वायर दोनों बराबर होगा, क्यों होगा देख लीजिए, या इसको लिख दीजिए 5x प्लस 4, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस जब कॉमन होगा तो स्क्वायर ग्रुप में कॉमन होगा, है ना, माइनस जब कॉमन रहेगा पावर 2 है तो स्क्वायर ग्रुप में कॉमन होगा, और ये माइनस कितना है, ये माइनस 4, ये कितना होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा प्लस, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, स्टेप्स वहीं अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद आप कॉमन ले लीजिएगा, इसमें कॉमन 3y प्लस k हो जाएगा, और फिर दो जीरो बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों एक साथ ले लिया हूँ, आप एक ही लीजिएगा अगर एक से बन जाए तो, उसके बाद आप एक्सपेंड कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड आराम से एकदम ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, क्वेश्चन आपने नोट कर लिए, आज की वीडियो में बस हम इतने टॉपिक लेकर चलते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव तक क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए।